रायपुर हत्याकांड में फरार अभियुक्त के खिलाफ एसएसपी देहरादून की सख्त कार्रवाई जारी है। दो अन्य बदमाशों के धरपकड़ के दौरान मुठभेड़ कार्रवाई में दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। रायपुर हत्याकांड में आरोपियों की तलाश में जुटी देहरादून पुलिस की स्पेशल टीम युद्ध स्तर पर फरार अभियुक्तों की धरपकड़ में जुटी है। इसी क्रम में मंगलवार देर शाम हरिद्वार रुड़की हाईवे पर फरार अभियुक्तों का पीछा करने व उनको रोकने के दौरान एक और मुठभेड़ की जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार रुड़की हाईवे और आसपास के इलाकों में देहरादून पुलिस की सूचना पर हरिद्वार पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद मुठभेड़ की घटना हुई और जवाबी फायरिंग में फरार दो अन्य बदमाशों के पैर पर गोली लगी है, जिसके पश्चात उन्हें हिरासत में लेते हुए उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्त मनीष कुमार सिंह बलिया उत्तर प्रदेश, योगेश मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। बता दें कि देहरादून के रायपुर डोभाल चौक पर गोलीकांड में अब तक मुख्य आरोपी रामवीर सहित 7 लोग दून पुलिस के गिरफ्त में जा चुके हैं। इधर इस मामले में मंगलवार को लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट गया और लोगों ने जाम लगा दिया। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। कुछ देर बाद विधायक उमेश शर्मा काऊ पहुंचे और उन्होंने लोगों को उचित कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को शव सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।